और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल ही एक नया वीडियो जो कि एक ऑटो पॉपअप टोस्टर के बारे में है, जो कि बजाज कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। उसका नाम है ATX 4। ये 2 साल की वारंटी के साथ आता है और ऑनलाइन परचेज़ हमने किया है, जिसकी ऑनलाइन कॉस्ट आपको 1100 से 1500 के बीच में आती है। डिपेंड करता है कोई ऑफ़र हो या कोई सेल चल रही हो। वैसे इसमें इसकी जो कॉस्ट इस पे MRP लिखी हुई है वो 2150 के आसपास लिखी हुई होती है। यह आपको किसी भी ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट पे आसानी से अवेलेबल होगा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी किसी भी ई कॉमर्स साइट पे आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको इसका डिब्बा दिखाई दे रहा है, ये बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने मैन्युफैक्चर किया है। ये एक ऑटो पॉपअप टोस्टर होता है, मतलब कि जो इसमें जो ब्रेड की स्लाइस होती है वो हीट होने के बाद जब तक उसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर नहीं पहुँच जाता तब वो अपने आप ही उसमें ऑटो पॉपअप होकर बाहर निकल आती है। आपको केवल उसको एक बार डालना होता है और प्लग ऑन करना होता है, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी हम इसको देखते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल मिल जाता है। इसमें ये इसका वारंटी कार्ड है और ये उसके साथ में ही ये यूजर मैनुअल है। यूजर मैनुअल को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जब तक हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं तब तक मैं आपको इसकी विशेषताएं बता देता हूँ। इसमें ये दो तरीके, इसमें एक लीवर होता है जो कि ब्रेड को थामे रखता है। ये दो काम करता है, एक तो टोस्टर को स्विच ऑन करता है और यही ब्रेड की स्लाइस को ऊपर उछालता है। ठीक है, इसमें कंट्रोल नॉब होता है जो कि उस ब्रेड का भूरापन चुनने में मदद करता है कि ब्रेड कितनी भूरी आपको चाहिए। इसमें कैंसिल वाला बटन होता है जो कि टोस्टिंग की जो प्रक्रिया होती है वो किसी भी समय उससे बंद की जा सकती है। ठीक है, इसमें जो ये आपको कवर दिखाई दे रहा है ये प्लास्टिक का होता है और ये यूज करने के बाद इस टोस्टर को ढकने के काम आता है, जिससे कि कोई कीड़ा गंदगी उसके अंदर ना चली जाए। ठीक है, और इसको यूज करने के बाद जब वो ये ठंडा हो जाए उसी समय इसे रखें, जब तक ये जो टोस्टर है वो गर्म रहेगा उस केस में इसको ना रखें। और यूज करते वक्त इस कवर को, जो ये कवर वाइट कलर का साइड में रख दिया है, इसको यूज नहीं करना है, हटा देना है उसे। ठीक है, ये आपकी कॉर्ड है, ये आपका पूरा टोस्टर है। अब ये डिब्बा इसको साइड में हटा देते हैं। और जो ये हमारा टोस्टर है इसका जो बीच का पार्ट होता है वो मेटल का होता है और जो साइड वाला पार्ट होता है वो फाइबर का या प्लास्टिक का होता है, जिससे कि यूज करते वक्त आपको करंट ना लगे या गर्म ना लगे। बीच वाला पार्ट काफ़ी गर्म हो जाता है जब यूज करते हैं हम इसे, ये आपको इस समय दिखाई दे रहा है। अभी हम इसकी जो इसके नीचे जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये एक चूरा जमा करने की ट्रे होती है। जब ब्रेड होती है वो जब उसमें गर्म हो जाएगी तो उसमें कुछ पार्ट, मतलब कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि मतलब गिर जाते हैं उसमें से गर्म करने के बाद, तो वो इसी के नीचे एक ट्रे होती है। वो ट्रे अभी हम आपको बाहर निकाल के दिखाएंगे यूज करने के बाद। अभी आप इसकी देख लीजिए, बॉडी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का रहता है ये। और ये जो बीच का पार्ट है ये आपको ये दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर ब्रेड के स्लाइस डाले जाते हैं। और इसमें ये जो नॉब होते हैं आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे, बीच वाला जो नॉब होता है वो आपका हीट करने की जो कैपेसिटी है, मतलब उसका जो ब्राउन, कितना ब्राउन आपको करना है उस पे पहुँचाने के लिए ये इसमें लीवर दिया होता है। ये जो ये लीवर ऊपर नीचे किया जा रहा है यही ब्रेड को थामने वाला लीवर होता है। और ये वाला जो लीवर जो अभी घुमा रहा हूँ मैं, यही इसको ब्रेड को भूरा करने की जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उसको एडजस्ट करने वाला लीवर होता है। ठीक है, नॉब होता है, लीवर नहीं नॉब होता है। उसी के साथ में एक इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें थोड़ी जाली लगी हुई है और इसी के अंदर ब्रेड की जो स्लाइस है वो डालते हैं हम। और जो हमारी पावर कॉर्ड होती है उसके एक्स्ट्रा जितना हिस्सा लटकता रहता है उसको लपेटने के लिए टोस्टर के नीचे ही एक कार्ड वाइंडर दिया होता है। ठीक है, ये अलग होने वाला टोस्टर कवर होता है जो कि अभी मेरे हाथ में मैंने इसको ऊपर रखा है। यही नीचे इसकी कार्ड वाइंडर इसे कहते हैं, नीचे वाले एरिया को, ये टोस्टर कवर है जो कि मैं अपने हाथ से हटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले इसको पहली बार इस्तेमाल करने से पहले क्या होता है, ब्रेड को स्लाइस डाले बिना स्विच ऑन करना चाहिए, जिससे कि कोई भी गंद महक जो धूल होती है वो निकल जाए। ठीक है, किसी भी हीटिंग उपकरण में ये पहली बार के लिए आम बात होती है। ठीक है, सबसे खास बात क्या होती है, जो ब्रेड को थामने वाला लीवर है वो तब तक नीचे नहीं आएगा जब तक कि टोस्टर को बिजली की सप्लाई नहीं मिलेगी। ये जो लीवर है ये ग्रे कलर का, ये नीचे तब तक नहीं आएगा पहली बार में जब तक कि
उसको सप्लाई नहीं मिलेगी, आप उसको ज़बरदस्ती करते रहेंगे तो वो अटैच नहीं होगी। जैसे ये अभी हमने कराया तो ये अटैच हो गया नीचे जाके, ठीक है, रुक गया है। जब तक इसमें बिजली की सप्लाई नहीं मिलेगी वो नीचे रुकेगा नहीं, वो ऊपर नीचे करते रहेंगे फिर भी वो रुकेगा नहीं। जैसे ही पावर सप्लाई देंगी देंगे आप तभी ये रुकेगा, ठीक है। ये जो नॉब है ये आप किसी भी पोजीशन पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने इसको 5 पे एडजस्ट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद इसको इस्तेमाल करने के लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले आपके जो पावर प्लग जो है वो बिजली के सॉकेट में लगा दें और उसके कवर को हटा देना है उससे पहले, ठीक है। ये हमने उसमें स्लाइस डाल दी है और ये अब गर्म हो रहा है। ये जो गर्म होते वक्त आपको कुछ भी छूना नहीं है, ये जो इसका मेटल वाला पार्ट है काफ़ी गर्म हो जाता है। इसमें ये कैंसिल वाला बटन होता है साइड में, किसी भी समय आपको लगे कि ये ज़्यादा गर्म हो रहा है या कुछ भी आपको अनसेटिस्फैक्ट्री लगे आपको एक कैंसिल वाला या स्टॉप वाला बटन दबा देना है, ये अपने आप ही ऑटो पॉप अप होके बाहर आ जाएगा। इसमें ये जो रीहीट वाला बटन है मैंने आपको बता ही दिया किस काम आता है। ये जो नॉब है ये भी आपको एडजस्टमेंट के लिए काम में आता है कि आपको कितनी ब्राउन ब्रेड चाहिए, ठीक है। उसके बाद रीहीट का कोई बटन नहीं होता है, यही जो नॉब होता है वो रीहीट वाली पोजीशन पे लेके आना होता है। ये जैसे ये इस समय यहाँ पे स्विच जो है नीचे अटक गया है, जैसे ही ब्रेड अपने डिजायर्ड टेम्परेचर पे पहुँचेगी ये अपने आप ही ऊपर होके बाहर निकल आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो ब्रेड को क्या कहते हैं जो लीवर है उसको 5 तक 6 तक किसी भी पोजीशन तक आप पहुँचा सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब ब्रेड अपने मनचाहे स्तर तक भूरी हो जाएगी तो वो अपने आप ही उछल के आ जाएगी, ठीक है। भूरी हुई टेस्ट जो स्लाइड है उसे आपको बाहर निकाल देनी है, जो स्लाइड मतलब स्लाइस होती है वो अपने आप ही बाहर निकल आएगी, ठीक है। किसी भी समय आपको ज़रूरत होती है तो आप उसे मतलब कैंसिल भी कर सकते हैं। और जो ब्रेड जो होती है वो अपने टोस्ट होने में लगने वाला जो समय होता है वो हर ब्रेड के ऊपर डिपेंड करता है, कोई ब्रेड ज़्यादा मोटी ताजी या पतली बड़ी उस पर नमी कितनी है उसमें उस पर डिपेंड करता है, तो ये प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि पहली बार कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको सुरक्षित रखने के लिए कि आपको क्या करना है, तो बच्चों को कभी भी इस टोस्टर का इस्तेमाल नहीं करने देना है। जैसे ये देखो ऑटो पॉपअप होके बाहर आ गया, ठीक है, आपको उसमें बटन दबाने की जरूरत नहीं। जब ये ऑटो पॉपअप होके बाहर आ जाएगा तब ये अपने आप ही स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई करंट नहीं आएगा। फिर भी आपको इसका जो ये लोहे वाला पार्ट है या कहीं मेटल वाला पार्ट है वो आपको ध्यान से वहाँ पे काम करना है, क्योंकि वो गर्म हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ तक कि ये जो प्लास्टिक का एरिया है ये भी काफ़ी गर्म हो जाता है, तो आपको ध्यान से इस एरिया को टच करना है, ठीक है। और जो टोस्टर चालू हो तो उसके ऊपर के हिस्से को छूना नहीं है, और आपको जो वो कवर है उसको भी उसके ऊपर रखना नहीं है, ये ऐसे ही खुला रहेगा। अभी जो मैंने नीचे की जो स्लाइड निकाली थी यही वो वाली ट्रे है जिसमें चूरा जमा होता है, ठीक है। और जो टोस्टर है थोड़ा आसपास के एरिया को खुला छोड़ना चाहिए टोस्टर के आसपास, जिससे कि उसकी आसपास की जो हवा है मतलब वो सर्कुलेट होती रहे, ठीक है। कोई भी खाने की चीज़ इसमें स्लाइस जो ब्रेड की स्लाइस है उसके अलावा और भी कोई चीज़ नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। जिस काम के लिए बना है वो उसी काम के लिए यूज किया जाना चाहिए।